तो चलिए शुरू करते हैं। जितना भी जोर लगा लो आएंगे मोदी जी, जितना हिंदुस्तान के लिए काम कर दी ना, वर्ल्ड के अंदर जो नाम बज रहा है वो मोदी जी की देन है। आज धारा 370 खत्म नहीं, राम मंदिर बनाना क्या नहीं दिया मोदी जी ने, आतंकवाद की नोटबंदी करके कहना क्या चाहते हो, आतंकवाद की कमर तोड़ी। इनसे ये पूछ लो कि धारा 370 नाम की कोई चीज है, क्यों नहीं है, समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो, बताओ आप बताओ। एक मिनट, अच्छा क्या है 370? 370 में पहले क्या होता, हम जाके जमीन खरीद के कुछ बना नहीं सकते थे, कुछ नहीं कर सकते, आज जा रहे हैं सब कुछ कर रहे हैं। पहले लोग जमीन खरीदे, जितने ऐसे तो नहीं होता है, जिसके पास पैसा है वो ले रहे हैं। कितने लोग ये पूछे 370 क्या है धारा है? अरे आप बता दो ना, जो राहुल जी का इतनी पक्की बात बता रहे हो, राहुल जी आने वाले 100 साल में प्रधानमंत्री नहीं बन सकता, ये लिख के ले लो। सत्तर थोड़ा और डिटेल में बताओ, 71 क्यों नहीं हटा रहे, 70 हटा दिए, 71 क्यों नहीं हटा रहे, 71 जब उसका टाइम है वो भी हट जाएगी। अरे छोड़ो, 370 और थोड़ा डिटेल में जानते हो कि नहीं, पूरा ये बताओ। आप बता रहे हो ना गुरु जी, मैंने तो बता दी जो मेरे को नॉलेज थी। मैंने कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये उस बंदे हैं जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करते हैं, जो प्रधानमंत्री को एक तो राहुल गांधी बदनामी देता है और दूसरा ये कुछ खड़े हैं, ये देशद्रोही है क्या? ये तो है ही देशद्रोही, जिस थाली में खाना उसी में छेद करना है द्रोही। क्या अरे नहीं, अरे मैं तो यार राह चलते लोगों से बात करता रहता हूँ, हर तरह के लोग। 371 क्यों नहीं हटा रहे हैं? देखो 300 क्या है, 371 बताइए क्या है 371? अरे यार यहाँ क्विज मत करो, सबको जरूरी नहीं है, आम लोग है सबको 370 71। सुनिए मैं सिर्फ एक बात जानना चाहता हूँ कि देखिए केजरीवाल ने, आप मानेंगे कि जब वो उन्होंने चुनाव लड़ा तब उन्होंने, जब उन्होंने आंदोलन किया था तब उन्होंने कहा मैं कभी राजनीति में नहीं आऊँगा, बच्चों की कसम खाऊंगा, गाड़ी नहीं लूँगा, बंगला नहीं लूँगा। लेकिन जब 50 करोड़ उनके बंगले पर लगने की बात आती है तो वो लोग जो उस आंदोलन से प्रभावित होकर उनको वोट दिए तो उनको एक धक्का लगता है, चाहे वो माने या ना माने, उस बात से किनारा कर ले। लेकिन एक बात दूसरी तरफ ये भी है कि अगर कोई आदमी संवैधानिक रूप से दो दो बार दिल्ली में 90-90% सीटों से चुनाव जीत रहा है तो फिर उसको दिल्ली की सरकार के अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार नहीं मिलेगा, और सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ये तय करती है कि नहीं भाई ये अधिकार हो, तुरंत अध्यादेश लाया जाता है। तो इसमें बहुत, उसके दोनों पक्ष है, कई लोग कहते हैं कि नहीं अध्यादेश लाया जाना जरूरी था, कई लोग कहते हैं नहीं था। बात यह है कि अगर बीजेपी की दिल्ली में सरकार रहती तो अध्यादेश लाया जाता, पहली बात। दूसरी बात ये स्थिति, इतने साल दिल्ली में सरकार चली, 15 साल शीला दीक्षित की, 5 साल बीजेपी की, तो ये क्यों केजरीवाल में ही ये प्रॉब्लम शुरू हुई? देखो जब शीला दीक्षित सरकार थी तब ऊपर पहले तो अटल बिहारी वाजपेयी के साथ भी उनकी सरकार थी, कांग्रेस के साथ अच्छे टर्म्स थे, तो कांग्रेस की सरकार थी तो नहीं दिक्कत आती थी। दूसरी बात क्या है कि आप कह रहे हो ना दो बिल्लियाँ लड़ रही थी आपस में, ठीक है, दो बिल्लियाँ लड़ रही थी कि रोटी खानी है, ठीक है, बंदर आया कि मैं फैसला करवाता हूँ, ठीक है, वो क्या रोटी तोड़ दी, एक तरफ ज़्यादा टूट गई एक तरफ कम टूट गई, ज़्यादा वाली का हिस्सा खा गया तो फिर से ऑड इवन हो गया कि एक तरफ फिर ज़्यादा रहेगी फिर कम रहेगी, सारी रोटी खा गया। ये जो जनता है ना, ये बिल्लियाँ लड़ रही है, इनको क्या फ़र्क पड़ रहा है, कोई फ़र्क पड़ रहा है? वो भाई साहब कह के चले गए 370 अटकी, फिर कह रहे हैं वहाँ ज़मीन खरीद सकता हूँ, कितनी ज़मीन खरीद ली, समझ रहे हो? दूसरी बात ये है कि आप जो कह रहे हो कि अध्यादेश ले जाती है, देखो अध्यादेश भी संवैधानिक चीज़ है एक, अगर अध्यादेश आप मानते हो ना, अध्यादेश भी संवैधानिक है, 6 महीने के अंदर उसका कानून बना। एक इंसान जिसके बारे में कहते हैं कि हमने शिक्षा का एक बहुत बड़ा, एक इंसान को हमने बहुत बड़ा वो बना दिया कि उन्होंने शिक्षा क्रांति कर दी, कह रहे हैं ना वो, अब वो इंसान जेल में बैठा है, कितनी बार केजरीवाल जी मिल के आए बताइए, संवैधानिक बात कर रहे हो आप, मिलने जा सकते हो ना, हिंदुस्तान के हर बड़े लीडर से जो अपोजिशन में बैठा है इन्होंने जाके समर्थन मांग लिया, आप पिछले 6 महीने का उनको देख लो, वो हर स्टेट में घूम चुके हैं समर्थन मांगने के लिए कि आप अध्यादेश के खिलाफ जाओ, खिलाफ जाओ। एक महीने में अभी 1 महीने में लगा लो, घूम तो रहे हैं ना, वो मांग रहे हैं ना, वो समर्थन सबसे मांग रहे हैं ना। सही गलत की बात तो फिर वो जो राज्यसभा में होगा, लोकसभा में होगा, कानून बन के आएगा, वो भी संवैधानिक ही होगा, वो चाहे कोई भी कर रहा हो, ठीक है, वो जब अपने एक इंसान को ऐसे बरगला सकते हैं, ऐसे छोड़ सकते हैं, बरगला सकते हैं क्या, छोड़ सकते हैं, उन्होंने छोड़ दिया, मनीष सिसोदिया की हालत आप आज देख रहे हैं, छोड़ दिया। वो तो परसों रो रहे थे, रो रहे थे ना, छोड़ दिया ना केजरीवाल ने बोला एक को पकड़ोगे 100 मनीष सिसोदिया, बंगला खाली करवा दिया अगले दिन ही, छोड़ दिया ना उनको। अब एक बात बताओ, जो इंसान अपने साथ लगते हुए आदमी को छोड़ सकता है, जनता क्या चीज़ है, उनको सिर्फ और सिर्फ सत्ता, और सत्ता के अंदर जो उनके पास जो अर्थ है, राजनीति क्या है, अर्थ पे तो शासन करना है,
राजनीति क्या है, अर्थ पे शासन करने के लिए एक प्रतिस्पर्धा ही तो है, संसाधनों का जो बंटवारा है उस पर, तो अब उसी के लिए वो लड़ रहे हैं, वो आपके लिए नहीं लड़ रहे हैं। आप बड़ा ध्यान से सुन रहे, कुछ बोले? सुन रहा हूँ खाली, मैं बोलूंगा नहीं। नहीं, कुछ अपना विचार रखिए। कोई विचार नहीं का कौन कटरी ईमानदार, ये तो इनकमिंग आउटगोइंग कमांडर। चलिए।